Okay, so hi, hello, and welcome back to yet another video. This is your programming friend Piyush, or I welcome you all to the machine learning playlist. Last video में हमने linear regression के बारे में पूरा देख लिया, one variable, two variable, and multi-variable linear regression. So now it's time to implement जो भी हमने machine learning का जो भी हमने किया था वहाँ पे एक pen paper पे जो इतना भी हमने solution निकाला, अब उसका time है कि how can we implement with Python. और पाइथन से तुम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो ये हम आज जाने वाले होंगे. तो कुछ तो मजेदार होगा, कुछ तो मजेदार होगा. और एक चीज पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो है ना, इसमें कोई भी लाइब्रेरी नहीं यूज करेंगे बेसिकली, और ये विदाउट लाइब्रेरी यूज होने वाला है. ठीक है, समझ आया ना? लीनियर रिग्रेशन 01 हम अपना नाम रखते हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ रिमाइंडर, आई एम यूजिंग द एनाकोंडा. एनाकोंडा से जुपिटर मैंने इंस्टॉल किया, मतलब एनाकोंडा इंस्टॉल किया. एनाकोंडा में जुपिटर वगैरह सब कुछ आता है. सो इफ आई हैव टू शो यू देन दिस इज द एनाकोंडा प्रॉम्प्ट. और इसमें तुम्हारा डेटा लोर और जुपिटर लैब जो नोटबुक पावर शेल ये सब तुम्हें मिल जाता है. और इसमें ऑलरेडी नंपाई पैंडास वगैरह इंस्टॉल्ड होते हैं, सो तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसको इंस्टॉल करने की. ठीक है, एंड द डेटा सेट दैट वी आर यूजिंग इज द डेटा सेट ऑफ आयरिस डेटा सेट. आयरिस डेटा सेट क्या है वो मैं तुम्हें भी बताऊंगा और वो होगा क्लियर. सो लीनियर रिग्रेशन, अगर मैं तुमसे बात करूं कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, सो कैन यू इमेजिन, तुम्हें याद होगा अगर मेरे पिछले लेक्चर तुमने देखे हैं तो. इनकेस अगर नहीं देखे सो गो स्क्रॉल डाउन ऑन माई प्ले लिस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. वहाँ पे लीनियर रिग्रेशन वन वेरिएबल टू वेरिएबल मीन मीडियन वेरियंस कोवेरियंस ब्ला 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 सब कुछ उस पर दे रखा हुआ है. सो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और तुम वहाँ से निकाल सकते हो. इट्स ईजी, इट्स क्वाइट ईजी फॉर यू. ओके, सो आई थिंक इट्स टाइम टू स्टार्ट, इट्स टाइम टू स्टार्ट, इट्स टाइम टू डीप डाउन अवर हैंड इन टू द मशीन लर्निंग, रियल मशीन लर्निंग जो हमारी होने वाली है वो, और हम उसको करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तुम्हें बताया था, एक बात बताया था कि एक लीनियर रिग्रेशन के लिए हम किस तरीके से करते हैं. तो उसमें सबसे पहले, अगर इफ आई हैव टू शो यू कि मुझे सबसे पहले मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू राइट दैट इज व्हाट इज, ओके लेट मी सेलेक्ट, पहले मैं निकालूंगा मीन किसी भी चीज का, दैट इज मीन. ठीक है, मीन मेरे पास पता होना चाहिए. मीन से मैं क्या निकाल सकता हूँ, मीन से मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं वेरियंस निकाल सकता हूँ, वेरियंस निकाल सकता हूं. और मैं क्या निकाल सकता हूं इससे, कोवेरियंस निकाल सकता हूं. अब तुम पूछोगे भाई कोवेरियंस वेरियंस क्या होता है, तो यार अब तो ये तो गलत बात हो गई ना कि मैं तुमसे पढ़ा रहा हूं मशीन लर्निंग और तुम्हें अभी तक ये नहीं पता वेरियंस कोवेरियंस क्या है. नहीं पता कोई बात नहीं, इट्स ओके, गो एंड चेक आउट माय स्टैटिस्टिक्स प्लेलिस्ट, वहां पे वेरियंस कोवेरियंस मीन मीडियन मोड के बारे में सब कुछ बता रखा है मैंने. सो वहां से तो पता चलेगा वेरियंस कोवेरियंस मीन मीडियन मोड भलाना डिबाना क्या क्या चीजें होती है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए होगा, मीन चाहिए होगा. अगर हमारे पास, अगर मैं दो वेरिएबल्स की बात करूं, आई हैव x एंड y, x इज द इंडिपेंडेंट एंड y इज द डिपेंडेंट. y किस पे डिपेंड है, y डिपेंड करता है हमारा x पे, y डिपेंड्स ऑन x. तो x इज द इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट ऑन x. ओके, सो मैं क्या करूंगा, मैं इनका मैं पहले निकालूंगा मीन, मीन से मैं वेरियंस निकालूंगा कि वेरियंस कितना हो रहा है. अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अगर मेरा मीन आ रहा है, दिस इज मीन एंड दिस इज द सिग्मा स्क्वायर, ये यहाँ पे वेरियंस वगैरह ये सब आएगा हमारे पास. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक मशीन लर्निंग के लिए मुझे क्या चाहिए, आई नीड अ डेटा सेट, आई नीड अ डेटा सेट. और डेटा सेट क्या होगा हमारे पास, फर्स्टली तो जुपिटर में सिंपल आप रन कर सकते हो, सिंपल तुम रन कर सकते हो. तो मुझे डेटा सेट चाहिए, डेटा सेट मैं अपना जनरेट करता हूँ अभी सिंपल सा. मैं एक वेरिएबल लूंगा डेटा सेट और इसमें मैं कुछ वैल्यूज इंसर्ट करूंगा एक्स और वाई की. ये कुछ इस तरीके से होती है. अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जो डेटा सेट होता है ना, अगर मैं ऐसे लिखूं कि x एंड दिस इज y, और ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको, तो x की वैल्यू 2 पे, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 5 पे, y की वैल्यू 7. तो इफ आई हैव टू राइट इन द पाइथन, तो मैं अगर इसको मुझे पाइथन में लिखना है तो पाइथन में मैं क्या बनाऊंगा इसकी लिस्ट. लिस्ट कैसे बनती है, इस तरीके से. और इसके अंदर मुझे x और y की वैल्यूज देनी होगी. x और y की वैल्यूज कैसे, 2, 3, ठीक, 1, 4 और 5, 7. तो इस हिसाब से तो ये क्या होगा, इस हिसाब से होगी हमारे पास 2, 4, 6 वैल्यूज. और ये कैसे डिफाइन करेगा कि दैट इसमें से x कौन सी है, y कौन सी है. सो इसके लिए हमें हर एक कोऑर्डिनेट को एक और स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं, दिस वन एंड दिस वन.
इससे मुझे क्या पता चल गया, दिस इज द पॉइंट वन, दिस इज द पॉइंट टू, दिस इज द पॉइंट थ्री, ठीक है, सिंपल सिंपल एज दैट। तो इसी तरीके से मुझे यहाँ पे मैं एक अपना डेटा सेट जनरेट करूंगा, मैं चार पॉइंट्स यहाँ से डेटा जनरेट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से लिखता हूँ 1,1, देन 2,3 x की वैल्यू दिस, देन आई हैव टू राइट दैट इज 4,2, देन लेट अस सपोज 5,2, 5 पे 2 की वैल्यू है, एक और ले लेते हैं दैट इज 9,8, क्लियर। तो ये मैंने बना लिया, ओके okay? अब मुझे यहाँ से निकालना है x की वैल्यू, y की वैल्यू और वगैरह वगैरह। तो x की वैल्यू यहाँ से कौन कौन सी है, x की वैल्यू मेरे पास एक तो ये है, लेट मी इंक्रीज द साइज, ठीक है, आई गेस इतना साइज परफेक्ट है, ओके okay? तो x की वैल्यू यहाँ से मैं कैसे निकालूंगा, x की वैल्यू कौन कौन सी है, दिस वन x, दिस इज x, दिस इज x, दिस इज x और दिस इज x, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा x है, मैं इसको पाइथन को मैं कैसे बोलूं कि व्हाट इज x है, तो x क्या है, व्हाट इज x। अब अगर मैं तुम्हारे पास एक लेट अस गो टू आवर ड्राइंग रूम, बहुत सारा मैं बहुत जगह मैं ये यूज करने वाला हूँ, सो यू हैव टू बी फैमिलियर, तुम्हें इस तरीके से कोई नहीं बताएगा क्या होता है। तो हमने डेटा सेट लिया था 1,1, 2,3 कुछ सपोज करो ऐसे ही कुछ था, और एक कुछ और था 9,8 करके ऐसा कुछ, ठीक है, पीछे बन जाए। तो जो ये वाली जो पॉइंट्स हैं, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स, ठीक, मुझे ये वाले पॉइंट्स चाहिए, ये वाले पॉइंट्स चाहिए और ये वाले पॉइंट्स चाहिए। अब यू गाइज नो कि अगर हम एक एरे बनाते हैं, अगर हम एक एरे बनाते हैं तो उसकी इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, जीरो से। तो अगर मैं एक इसको एरे मान लूँ तो इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होगी, दिस इज जीरो, दिस इज वन, दिस इज जीरो, दिस इज वन, दिस इज जीरो, दिस इज वन, और मुझे बेसिकली क्या चाहिए, सिर्फ जीरोथ वाले एलिमेंट फॉर द एक्स। मैं कुछ ऐसा लिखूंगा कि मुझे सिर्फ जीरो वाले एलिमेंट चाहिए होंगे, परफेक्ट। अब एक मैं ऐसा लूप लगा दूं, लूप मैं एक लगा दूं कि सपोज करो मैं एक ले लेता हूं रो, इसको मैं मान लेता हूं रो, और रो का मुझे कौन सा एलिमेंट चाहिए, रो का मुझे जीरोथ एलिमेंट चाहिए, और ये रो कहां पे है, इसको हम कैसे लिखेंगे, फॉर रो इन ये जो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया है इन डेटा सेट। इसका मतलब क्या हुआ, रो जीरो मतलब इसमें जो डेटा सेट में, अगर तुम्हें तो ये बताऊं डेटा सेट में मेरे पास कौन कौन से वेरिएबल है, एक ये, अगर मैं डेटा सेट की बात करूं, एक दो तीन, तो मेरे पास तीन वैल्यूज हैं। अगर मैं डेटा सेट से मैं इसको निकालूं तो इसकी इंडेक्सिंग जीरो, इसकी इंडेक्सिंग वन, इसकी इंडेक्सिंग टू। अब मुझे इनपे लूप लगाना है, मैं इनपे चलता चला जाऊंगा और इन 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 पे जाकर के मुझे जीरो एलिमेंट चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, रो जीरो पे जाओ, मतलब एक रो मैंने वेरिएबल ले लिया जो कि इसमें लूप करता रहेगा डेटा सेट में। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ पाइथन। अगर तुम यही सी प्लस प्लस से करोगे, तुम लिखोगे फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन साइज ऑफ दिस आई प्लस प्लस, इसको मैं इस तरीके से पाइथन में भी लिख सकता हूँ, बट हमारे पास एक लाइन में हम इसको लिख सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, रो पे जाओ, हर एक रो में जाओ, हर एक मतलब एक मैंने रो वेरिएबल ले लिया जो कि क्या बताएगा इसकी वैल्यू को, इसमें जाओ और उसका जीरो इंडेक्स मुझे दे दो, और इसको मुझे स्टोर किस में करना है, आई हैव टू स्टोर इट इन द लिस्ट। मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है। तो मैं किस कैसे लिखूंगा इसको, इफ आई हैव टू राइट, मैं लिखूंगा एक लिस्ट बना लेता हूँ, और इसमें मैंने क्या लिख दिया, रो जीरो पे जाओ फॉर रो इन डेटासेट। इससे मुझे क्या मिल गया, इससे मुझे एक लिस्ट मिल गई जो जिसमें जिसमें कौन कौन सी वैल्यू होंगी ये। अब अगर मुझे इसको प्रिंट कराना है, अगर मैं सिंपल आईडीई में जाता तो मैं वहां पे इसको लिखता प्रिंट एक्स, प्रिंट एक्स, अगर मुझे पाइथन में लिखना है तो ये किसने क्या दे दिया, 1, 2, 4, 5, 9, मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई। बट यू हैव शॉर्टकट फॉर इन एनाकोंडा, एनाकोंडा में अगर तुम सिंपल एक्स लिखते हो तब भी वो तुम्हें वही देगा, ठीक, कोई वेरिएबल को लिख दोगे तो वेरिएबल की वैल्यू तुम्हें वहां पे दे देगा, ठीक। इसी तरीके से अगर मुझे चाहिए होगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इसको लिख दूं प्रिंट एक्स, अगर मुझे चाहिए होगा हाई की वैल्यू, अगर मुझे चाहिए तो मुझे कौन कौन सी चीजें चाहिए, मैं रो में जाऊंगा, रो फॉर रो इन डेटा सेट। अब मुझे रो की कौन सी वैल्यू चाहिए, दिस इज जीरो इंडेक्स, दिस इज वन इंडेक्स, तो मुझे यहाँ पे चाहिए वन इंडेक्स, आई हैव टू राइट वन इंडेक्स, और मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि प्रिंट वाई। इट्स वेरी इजी। अब मुझे एक्स और वाई में मैंने इसको सेपरेट कर दिया, क्लियर, सिंपल, कितना सिंपल है इसको रन करना यहां से, परफेक्ट ना, कि एक्स और वाई में मैंने इसको सेपरेट कर दिया। सिमिलरली अगर तुम्हारे यहाँ पास एक और वैल्यू होती है, यहाँ पे सपोज करो एक्स वाई जेड, तो तुम मैं कैसे लिखते, जेड में जाते, जेड रो टू फॉर रो इन डेटा सेट, क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए,
अब मुझे क्या चाहिए, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा था कि अगर मेरे पास एक कुछ ऐसा डेटा सेट दे रखा है, इफ आई हैव अ डेटा सेट लाइक एक्स, अभी हमारे पास डेटा सेट कैसा है, एक्स और वाई, ठीक, एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या कौन कौन सी है, 1, 2, 4, 5, 9, ये मेरे पास एक्स की वैल्यू है, और वाई की वैल्यूज देख लेते हैं एक बार, 1, 3, 2, 2, 8, 1, 3, 2, 2, 8, ठीक है। सिमिलरली फंक्शन ये है हमारे पास। सो लीनियर रिग्रेशन के लिए हम क्या करते थे, लीनियर रिग्रेशन का तुम्हें फॉर्मूला पता होगा, अगर इफ यू नो द फॉर्मूला ऑफ द लीनियर रिग्रेशन, तो तुम किस तरीके से लीनियर रिग्रेशन करते थे, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी पता है, याद है अगर हल्का फुल्का भी, किस तरीके से लगाते थे हम। एनीवन वी हैव टू फाइंड वाई ओके इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक्स हमारे पास दिया है, आई हैव टू फाइंड एम एंड आई हैव टू फाइंड सी। एम निकालने के लिए मैं क्या करता था, x1 x - x का बार, y - y का बार, कुछ इस तरीके से हम फंक्शन लगाते, ऐसे करते थे ना, नहीं, m निकालने के लिए हम कुछ ऐसे करते थे, x - x बार (y - y बार) / x - x बार का होल स्क्वायर, और इसका सबका किसका मैं लिखता था, इसका सम लेता था। तो मुझे x बार चाहिए, मतलब मुझे इसका मीन चाहिए, आई हैव टू फाइंड इसका मीन x बार, और मुझे इसका मीन चाहिए, मुझे ये दो मीन निकालने। मीन मैं कैसे निकालूंगा, कि सम ऑफ ऑल द एक्स अपॉन नंबर ऑफ एक्स, सम ऑफ सॉरी सम ऑफ ऑल द वाई अपॉन नंबर ऑफ वाई, ये मुझे चाहिए। तो इस तरीके से मुझे चाहिए, तो मुझे कुछ एक ऐसा कोड लिखना पड़ेगा जिससे मैं क्या निकाल सकूं, इसका मीन निकाल सकूं, ठीक है, जिससे मैं इसका क्या निकाल सकूं, मीन निकाल सकूं। अब मैं इसको मीन को कैसे निकालूंगा, ये देखो, एक हम फंक्शन बना लेते हैं, एक मैं सेल ऊपर इंसर्ट करता हूं इसके, लेट मी इंसर्ट अ सेल, और मैं इसको ले जाऊंगा यहां से डाउन, ठीक है, ओके। तो यहां पे हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले मीन का फंक्शन, ठीक, मीन का फंक्शन। तो फंक्शन कैसे बनाते हैं, हम फंक्शन बनाते हैं डिफ, और जो फंक्शन का नाम है वो, और जो मुझे इसमें पैरामीटर चाहिए, तो पैरामीटर के लिए मुझे क्या चाहिए, कुछ वैल्यूज चाहिए मुझे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कोई भी वैल्यूज हो सकते हैं। मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ वैल्यूज अपॉन उसकी जो पूरी वैल्यू की जितनी भी लेंथ है वो निकालेंगे। तो मैं यहां से क्या लिखूंगा, सम लिखूंगा, सम कैसे निकाल सकते हैं हम, टोटल, टोटल इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज, ये फंक्शन क्या करेगा, ये जितनी भी वैल्यूज हमारे पास आएंगी उनका सबका निकाल लेगा सम। साइज अगर मैं बात करूं तो मैं कैसे निकालूंगा, लेंथ ऑफ वैल्यूज, ये फंक्शन ये देगा, और मुझे यहां से रिटर्न कराना पड़ेगा कुछ, रिटर्न में क्या करूंगा, टोटल डिवाइड बाई, टोटल डिवाइड बाई दिस विल गिव मी द मीन, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ से मीन चाहिए, इफ आई वॉन्ट टू चेक कि मैं मीन यहाँ पे ले सकता हूँ कि नहीं, तो मुझे प्रिंट क्या करना पड़ेगा, मीन, और मैं इससे वैल्यूज कौन से दूंगा, एक्स, तो एक्स की वैल्यूज मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ, सो आई थिंक इट विल गिव मी द करेक्ट मीन इज नॉट डिफाइंड, एम ई एन, ओके, मैंने इसको रन नहीं किया, तो कंट्रोल एंटर रन करेंगे हम, देन आई विल गो विद दिस मीन 4.2। अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो सम कितना आएगा, 1 + 2 = 3, 7, 3 + 4 = 7, + 5 = 12, + 9 = 21, 21 डिवाइड बाई 5 इट विल गिव मी द 4.2, सॉरी 22 डिवाइड बाई 5 इट विल गिव मी द 4.2। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे ये चाहिए होगा कि प्रिंट ऑफ मीन ऑफ वाई, तो कुछ इस तरीके से निकल आएगा 3.2, 8 × 2 = 10 और 16 डिवाइड बाई 5 3.2, परफेक्ट, मीन निकल आया, मीन निकल आया। अब मीन के बाद मुझे क्या चाहिए, अब मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ से मुझे जो सिंपल सी चीज चाहिए थी, दैट इज x - x बार / (y - y बार) / x - x बार का होल स्क्वायर, मुझे कुछ इस तरीके का पंगा चाहिए, ठीक है, मुझे कुछ इस तरीके का पंगा चाहिए। बट यहां से मैं एक चीज और निकाल सकता हूँ कि मुझे वेरियंस भी मुझे मिल जाएगा यहां से, ठीक है। अगर तुम्हें पता होगा कि वेरियंस क्या होता है, तो वेरियंस अगर मैं तुम्हें बोलूं, तो वेरियंस बेसिकली, अगर तुमने मेरा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन वाला देखा है तो बहुत अच्छा है, नहीं देखा है तो यू शुड गो एंड वॉच गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन वाला मेरा वीडियो इन द प्लेलिस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और उसमें मैंने वेरियंस को वेरियंस भी बता रखा है। सो अगर मैं बात करूं कि वेरियंस, तो अगर मैं कुछ इस तरीके से लेता हूं और हमारा कुछ डेटा सेट इस तरीके से वेरी कर रहा है, और दिस इज द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, और ये पॉइंट जो होता है ना, मैक्सिमम पीक जो होता है, दिस इज अवर मीन, मीन को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ, म्यू से। अब
लेट अस सपोज कि अगर मेरा म्यू इन ये आ रहा है तो मेरा वेरियंस क्या करेगा, सपोज करो एक पॉइंट मेरा एक्स पॉइंट मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे है एक्स वन, दिस इज एक को ये पॉइंट है, तो जो मेरा वेरियंस है वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ मिलके, अगर मेरा वेरियंस का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो ये होता है 1 माइनस 1 बाई एन सिग्मा एक्स आई माइनस म्यू आई, एक्स आई माइनस म्यू, ठीक है, एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर और सिग्मा की वैल्यू आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक चलेगी, दिस इज आवर वेरियंस। ठीक, ये तुम्हें बेसिकली क्या बताएगा, ये कुछ ऐसा बताएगा और व्हाट इज दिस मैन, ठीक है, और अगर मैं इसी वेरियंस का स्क्वायर रूट ले लूं तो ये मुझे क्या दे देगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो मुझे बताता है कि कोई भी पॉइंट अपने मीन पॉइंट से, मीन से कितनी दूरी पे है। ठीक, अगर सिग्मा यहां पे है तो 2 सिग्मा कहां आएगा, इस साइड आएगा, 2 सिग्मा कहां पे आएगा, इस साइड आएगा। तो ये सब मैंने तुम्हें स्टेटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट में बता रखा है, तो यू शुड गो एंड वॉच द स्टेटिस्टिक्स प्लेलिस्ट, तो अगर तुम्हें पूरा डीप में चाहिए, अब मैं हर एक वीडियो में इसको डीप में बताने लगा ना फिर तो वीडियो बहुत ही लंबा चला जाएगा। तो आई हैव टू मेक अ फंक्शन फॉर द वेरियंस, अगर मैं इसी में बना लूं तो वेरियंस, जिसमें मुझे क्या चाहिए होगा, जिसमें आई हैव टू राइट दैट इज 1 बाई एन सिग्मा आई की वैल्यू 1 से एन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, मुझे कुछ इस तरीके का चाहिए। अब मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें मुझे कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, अगर मैं इसको डिफाइन कर दूंगा वेरियंस और मुझे इसमें क्या क्या चाहिए, पहले तो मुझे वैल्यूज चाहिए, और अगर तुम फॉर्मूला देखो उसमें मुझे एक और भी वैल्यू चाहिए थी, दैट इज मीन, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगी, मीन की वैल्यू, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या क्या रिटर्न करना है, सिग्मा एक्स आई माइनस मीन, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक, तो मैं एक ले लेता हूं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मीन्स ऊपर, सॉरी न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर मीन्स ऊपर, न्यूमिनेटर में मेरे पास कौन सी वैल्यू है, अगर इफ आई हैव टू गो न्यूमिनेटर में मेरे पास क्या है, सिग्मा एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर, तो एक्स आई, व्हाट इज एक्स आई, जो वैल्यू होंगी हमारे पास, ठीक, वैल्यू होंगी, तो वैल्यू मैं कैसे लूंगा, एक्स की वैल्यू मैं कैसे लूंगा, एक्स की वैल्यू मेरे पास कुछ ऐसे आएगी, एक्स इज इक्वल टू समथिंग आई फॉर आई इन वैल्यूज, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू दे देगा मुझे, परफेक्ट, एक्स की वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहां से। अब इसको मैं क्या लूंगा, इसको मैं एक फंक्शन लूंगा न्यूमेरेटर, न्यूमेरेटर, न्यूमेरेटर में मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए, पहली बार छोड़ो सम छोड़ो, एक्स की वैल्यू माइनस मीन और इसका मुझे क्या चाहिए, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, ठीक, ये एक्स भी एक तरीके से यहां पे लिस्ट बन रहा है, मुझे एक ऐसा वैल्यू कुछ चाहिए यहां से कि जो कि क्या करे, इसको लूप में ले आए कि एक्स की हर एक एक वैल्यू को, सपोज करो इफ आई हैव टू राइट दैट इज मेरे पास अगर यहाँ पे एक्स में कुछ वैल्यूज दे रखी है 1 2 3 4 5, तो मुझे मीन यहाँ पे कैसे निकालना है इसका वेरियंस, 1 माइनस मीन प्लस 2 माइनस मीन प्लस 3 माइनस मीन और इनका सबका कैसा, होल स्क्वायर, तो मुझे एक एक वैल्यू यहां से चाहिए। अब मैंने तुम्हें ऊपर ही बताया था पहले ही, जब मुझे एक एक वैल्यू चाहिए होगी मैं इसमें लूप चलाऊंगा, मैं एक इसमें लूप चलाऊंगा, लूप कैसे चलेगा, और मुझे इसको लिस्ट में बना देंगे, लिस्ट हम बना देते हैं, ठीक, एक लूप में चलाऊंगा और ये x माइनस मीन इंटू इंटू एक्स इंटू इंटू स्क्वायर फॉर x इन वैल्यूज, x कहां से उठाते रहो तुम, वैल्यू से उठाते रहो, ठीक है, बंद कर दिया। मुझे इसका क्या चाहिए, सम, तो सम के लिए मैं इस पूरे को यहां पे क्या करूंगा, सम कर दूंगा, ठीक, दिस इज अवर न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर, आई हैव इन द डिनोमिनेटर दैट इज लेंथ ऑफ वैल्यू, ठीक है, और यहां से क्या रिटर्न कर दो, यहां से सिंपली रिटर्न कर दो तुम न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। नाउ मेरे पास क्या आ गया, कि मेरे पास वेरिएंस का फंक्शन आ गया। अब अगर मुझे वेरिएंस चाहिए होगा तो मैं लिखूंगा प्रिंट वेरिएंस ऑफ किसका, एक्स का वेरिएंस, और मुझे मीन देना होगा तो मैं इसको क्या करूं, एक मैं मीन ऑफ एक्स में किस में ले लूं, मीन एक्स में, और मीन ऑफ वाई में किस में ले लूं, मीन वाई में, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे मैं क्या दूंगा, मीन ऑफ एक्स, मीन ऑफ एक्स प्रिंट कर दो। सो वेरिएंस इज नॉट डिफाइंड, ओके, वेरिएंस टाइपो, 7.76 इसका वेरिएंस आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूं, इसको मैं एक वेरिएबल में शो कर लेता हूं, दैट इज वेरिएंस ऑफ एक्स,
वेरियंस ऑफ एक्स मेरे पास क्या होगा, वेरियंस ऑफ एक्स कॉमा मीन ऑफ एक्स, और सिमिलरली वेरियंस ऑफ वाई मैं लूंगा वेरियंस ऑफ वाई कॉमा मीन ऑफ वाई। परफेक्ट ठीक। अगर इसको यहाँ पे प्रिंट भी कराना चाहो तो प्रिंट भी करा के देख सकते, तो प्रिंट छोड़ो, प्रिंट की जगह पे हम ऐसे लिखते हैं वी ऑफ एक्स मेरे पास क्या आएगा 7.76, वी ऑफ आई मेरे पास क्या आएगा 6.16। ठीक है, यहां तक मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, वेरियंस और मीन। ओके, तो यहां तक हमने देख लिया कि वेरियंस ऑफ वाई क्या है, वेरियंस ऑफ एक्स क्या है। नाउ इट्स टाइम टू इंप्लीमेंट द कोवेरियंस। डू यू नो व्हाट इज कोवेरियंस? यू डोंट नो? हो, चेक आउट माय स्टैटिस्टिक्स प्लेलिस्ट, यू विल गेट टू नो कि कोवेरियंस क्या होता है और वेरियंस क्या होता है। जाओ मैं फिर बोलता हूँ कि मशीन लर्निंग से पहले स्टेटिस्टिक्स देख लो, देख लो भाई, भाइयों और बहनों आप देख लो, प्लीज देख लो, मेरा भला हो जाए। ठीक है, अगर मैं वहां से बात करूं तो मेरे पास कोवेरियंस मुझे चाहिए होगा। कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, मुझे फॉर्मूला चाहिए यहाँ पे कोवेरियंस का। तो अगर मैं कोवेरियंस का फॉर्मूला लिखूंगा, कोवेरियंस होता क्या है, जाओ जाओ जाओ, ये क्या करता है, हमारा रिलेशन देता है किसके बीच में, वैल्यूज के बीच में, एक्स और वाई डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट ये बीच में रिलेशन कैसा है। ओके ठीक, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई विल गिव मी 1/n सिग्मा आई की वैल्यू 1 to n एक्स आई माइनस म्यू ऑफ एक्स इंटू वाई आई माइनस म्यू ऑफ वाई। ठीक है, दिस इज अवर कोवेरियंस, समझा? एक्स आई माइनस म्यू एक्स, वाई आई माइनस म्यू वाई, एंड आई हैव टू इंप्लीमेंट दिस विद द हेल्प ऑफ पाइथन। तो पाइथन की हेल्प से मैं इसको कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, ये देखो। तो मेरे पास क्या है, सम ऑफ एक्स आई माइनस मीन ऑफ एक्स, वाई आई माइनस मीन ऑफ वाई अपॉन लेंथ ऑफ वाई। तो मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं, लेट अस डिफाइन, इधर ही कोवेरियंस ऊपर ही सब पूरा मैथमेटिक इधर ही ठोकना है अपने को। कोवेरियंस इज इक्वल टू, क्या क्या मुझे चाहिए, मुझे एक्स चाहिए, मीन ऑफ एक्स मुझे चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, वाई चाहिए, मुझे मीन ऑफ वाई चाहिए। बार बार नहीं निकालेंगे यार। ठीक है, तो लेट अस सपोज कोवेरियंस मैं स्टार्टिंग में क्या लेता हूँ, 0.0 इनिशियलाइज कर दिया मैंने, 0.0 इट शुड बी द फ्लोटिंग वैल्यू। तो मैं लूंगा फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एक्स। ठीक, अब मैं इसको लूप से बता रहा हूं तुम्हें, कोवेरियंस क्या होगा, प्लस करेंगे हम, प्लस इज इक्वल टू एक्स आई माइनस मीन ऑफ एक्स, सॉरी मीन एक्स इंटू वाई आई माइनस मीन ऑफ वाई। अब इसमें यार वो डबल डबल करते हैं थोड़ा लंबा चला जाता, तो ऐसे मैंने कर दिया क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यूज तो सेम है, एक्स और वाई की वैल्यूज सेम है। और यहां से क्या कर दो, यहां से यू हैव टू रिटर्न रिटर्न कोवेरियंस डिवाइड बाई लेंथ ऑफ एक्स। यहाँ लेंथ ऑफ एक्स ले लो चाहे लेंथ ऑफ वाई ले लो, इट इज सिमिलर। तो लेट अस कैलकुलेट द कोवेरियंस। सो कोवेरियंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट अस कैलकुलेट। सो प्रिंट कोवेरियंस, प्लीज 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 ऑटो फिल कर दो। डू यू हैव कोवेरियंस? यस वी हैव कोवेरियंस। और अगर तुम इस पे शिफ्ट टैप करोगे ना, शिफ्ट टैप करोगे, इट विल गिव यू कि क्या क्या तुम्हें वैल्यूज चाहिए। तो मुझे एक्स चाहिए, एम एक्स चाहिए, वाई चाहिए, एम वाई चाहिए। ठीक है, लेट मी चेक, 1.408000000। चलो भाई, फाइनली मेरे पास कोवेरियंस वेरियंस नो नो कोवेरियंस वेरियंस है मेरे पास निकल के आ गया। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू फाइंड द बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यू। व्हाट इज बीटा नॉट बीटा वन? भूल गए, इसीलिए बोलता हूँ एमएल करो, मैं मेरे भी यार वीडियो नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो लीनियर रिग्रेशन इज वाई हैट
इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स. दिस इज आइदर इट इज बीटा या बी नॉट बी वन एक्स, लिख लो कुछ भी लिख लो. तो बी वन को फाइंड करने का एक सिंपल सा तरीका एक और होता है, ठीक है. बी वन को फाइंड करने का एक सिंपल सा तरीका और होता है, और वो होता है हमारे पास कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइड बाई वेरियंस ऑफ एक्स. अगर मैं बी वन की बात करूं तो क्या है हमारे पास, सिग्मा एक्स माइनस म्यू एक्स इंटू वाई माइनस म्यू वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. दिस इज वॉट, दिस इज वेरियंस जो कि हमने पढ़ा, एंड दिस इज वॉट, दिस इज कोवेरियंस. अब तुम बोलोगे कोवेरियंस कैसे, कोवेरियंस में क्या होता था वन बाई एन, यहां भी क्या होगा वन बाई एन. अब वन बाई एन अपॉन अपॉन है, कट गया नहीं, क्या बचा ये. तो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कोवेरियंस अपॉन वेरियंस. तो अगर तुमने कोवेरियंस निकाल लिया, अगर तुमने वेरियंस निकाल लिया, तो बी वन की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन वेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई. अब मुझे क्या पता है, वाई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स. मुझे बी वन पता है, एक्स पता है, वाई पता है, मुझे बीटा नॉट चाहिए. बीटा नॉट कैसे निकालूंगा मैं, बीटा नॉट इज इक्वल टू वाई माइनस बी वन एक्स, सिंपल. तो ये दो फॉर्मूले मुझे चाहिए, एक ये एंड आई हैव टू डू दिस. इससे मुझे क्या मिल जाएगा, एक बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यू मिल जाएगी, और बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यू के बाद में मैं क्या निकालूंगा, लीनियर रिग्रेशन. ये है, चलो लेट अस स्टार्ट, लेट्स हैव अ फन टुनाइट. ये है, ओके. सो मुझे क्या चाहिए, कैलकुलेट कोएफिशिएंट, ठीक है. तो लेट्स कैलकुलेट कोएफिशिएंट. तो डिफाइन कोएफिशिएंट एक मैं लेता हूं, और इसमें मुझे क्या चाहिए होगा, डेटा. सिंपल सिंपल इसको फिर से करते हैं. रो जीरो डेटा सेट आया, तो मुझे क्या चाहिए, रो जीरो फॉर रो इन डेटा सेट, बिकॉज कोई भी डेटा सेट दे सकते हैं इसमें. वाई इज इक्वल टू रो वन फॉर रो इन डेटा सेट. अच्छा एक चीज और, अगर हम अभी यहाँ पे साइकिट लगा के हम लीनियर रिग्रेशन कर दें, इट इज इजी, क्योंकि ये पाइथन का चीज है. अब तुम्हें अगर इसके पीछे की मैथमेटिक्स पता है, नाउ यू आर एबल टू कोड द मशीन लर्निंग इन टू पाइथन, आइदर इन टू सी प्लस प्लस, आइदर इन टू जावा, आइदर इन टू गोलैंग, आइदर इन टू जावा स्क्रिप्ट, रूबी, किसी पे भी जाके कर सकते हो. इट्स ऑल अप टू योर चॉइस तुम किस पे जाओ, बस तुम्हें मैथमेटिक्स पता है. अब उसमें लाइब्रेरीज नहीं है, नो मैटर, हम अपनी लाइब्रेरी बना लेंगे, अपना हेडर फाइल बना लो सी प्लस प्लस में, ठीक है. सो दिस इज हाउ द मैथमेटिक्स बिहाइंड द मशीन लर्निंग वर्क एंड हाउ इट विल हेल्प यू टू लर्न द मशीन लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है. सो बहुत बकवास हो गई, इस पे आ जाते हैं. एक्स वाई, नाउ आई नीड मीन ऑफ एक्स कॉमा मीन ऑफ वाई. इफ दिस इज अनदर मेथड टू इनिशियलाइज समथिंग इन पाइथन, सो मीन ऑफ एक्स कॉमा मीन ऑफ वाई, मीन ऑफ एक्स कॉमा मीन ऑफ वाई, ठीक है. नाउ आई नीड द वैल्यू ऑफ बी वन. वॉट इज बी वन, बी वन इज कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई. मुझे क्या क्या चाहिए होंगी वैल्यूज, एक्स कॉमा मीन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा मीन ऑफ वाई, डिवाइड किससे कर दूंगा, वेरियंस से. डू आई हैव एनी वेरियंस, वेरियंस इसमें मुझे क्या क्या चाहिए, लेट मी चेक. जब मुझे वैल्यूज और मीन चाहिए तो एक्स कॉमा मीन ऑफ एक्स दे देता है, ठीक. नाउ आई नीड टू डू द बी नॉट, बी नॉट की वैल्यू मैं कैसे दूंगा, बी नॉट की वैल्यू कैसे दूंगा, वाई मीन मीन ऑफ वाई माइनस बी वन इंटू मीन ऑफ. और यहां से हम एक रिटर्न कर देंगे, एक लिस्ट में रिटर्न कर दूंगा बी नॉट बी वन, परफेक्ट. तो अब अगर मुझे चाहिए होगा डेटा सेट, हमारे पास क्या है, डेटा सेट हमारे पास ऊपर वाला दे रखा है, दिस इज अवर डेटा सेट. कॉपी करो और मैं इधर इसको पेस्ट करता हूं, फिर से बनाएंगे, ठीक. व्हाट शुड आई नीड, आई नीड coefficient of, हाँ, डेटा सेट. ये मुझे क्या देंगे, दो वैल्यूज देंगे, बीटा नॉट और बीटा वन, बीटा नॉट कॉमा बीटा वन इज इक्वल टू दिस, ठीक. ये मुझे यहां से ये मिल गया. नाउ आई, अब मुझे प्रिंट कर देता हूं मैं, तो मैं प्रिंट कर दूंगा कि कोफिशियंट ऑफ बीटा नॉट. कोफिशियंट कैसे प्रिंट करेंगे,
तो मैं लिखता हूं कि बीटा नॉट इज व्हाट, बीटा नॉट इज, बीटा नॉट प्रिंट बी वन कॉमा बी वन, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा ऐसे कर दो, तो हमारे पास बीटा नॉट क्या है 2.4 समथिंग और बी वन क्या है, दिस इज द बी वन। ओके दिस इज हाउ वी कैन प्रिंट द बीटा नॉट एंड द बीटा वन वैल्यू। मुझे बीटा नॉट बीटा वन मिली, नाउ आई कैन पुट इट इनटू, ये है द डेटा सेट। अब एक एक्चुअल डेटा सेट लेते हैं, ठीक है। एक्चुअल डेटा सेट लेने के लिए मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, बिकॉज ये थोड़ा सा लंबा सा वीडियो बन गया। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। नाउ अगले वीडियो में हम बात करने वाले होंगे कि आयरिस डेटा सेट को हम किस तरीके से लेंगे। आयरिस डेटा सेट में पेटल वगैरह, ये एक डेटा सेट होता है जो बेसिकली हर एक मशीन लर्निंग वाला करता है। मैं कहता हूँ इसको करना चाहिए, बिकॉज इससे एक लीनियर रिग्रेशन वगैरह वगैरह का पूरा डिटेल में मिल जाता है। ओके सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय, टाटा, टेक केयर, हैप्पी।